दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक भाई साहब क्या कमाल का अमेजिंग काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग कलाएं करते हैं, हस्तकला जो होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने क्या बारीकी से बनाया है। अच्छा भैया, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? फिलहाल हाथ फूल बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब ज्वेलरी टाइप का होता है कुछ। ये माथे का टीका अक्सर देहात में या जो भी शौकीन होता है वो लोग इसको पहनते हैं, और ये भारतीय संस्कृति को भी बहुत ज्यादा उकेरता है। तो इसका आप हमें शुरुआत से प्रोसेस बताइए कि कैसे बनता है, क्या होता है? ये गलाई से आया हुआ है और अच्छा, अब ये अच्छा। पतरा मशीन पे से निकल के आया हुआ पतरा बन गया। अच्छा, है। ये इसकी डाई कटेगी पहले। कौन सा मेटल है ये? व्हाइट मेटल गिलट में। अच्छा, गिलट में। चलिए फिर इसके बाद क्या होगा? जैसे आपके पास ये तो आ गया, अब क्या होगा इसमें? अब इसकी डाई कटेगी, डाई काट। अच्छा अच्छा, ये वाली मशीन कौन सी है? ये बोलते हैं दो नंबर का प्रेस है। दो नंबर का प्रेस। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब इसके डाई वगैरह इसमें सेट की जाती होगी। हाँ, इसमें डाई सेट करके और फिर ये कटती है। अच्छा, ये एक पीस हो गया है पूरा? हाँ। अच्छा, फिर इसे काट के ये निकाला जाता है। अच्छा अच्छा, ये इसके नीचे टोकरी रखते हैं, वहाँ से जब डाई से ये कटता है तो नीचे इसमें ये वाली चीजें जो आ जाती हैं। यहाँ पर ये जो टीका के जालर है वो नीचे यहाँ पर कट करके तैयार हुई है। अब ये थोड़े से तपाए जाएंगे गैस की हीट से। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। जी जी, तो ये किस लिए तपाया जाता है? इससे मुलामियत आ जाएगी इनमें मोड़ने में। अच्छा अच्छा, अब अच्छा इसको आपने इसमें पानी में डाल दिया है। अच्छा, ये तेजाब है? हाँ। क्या इससे बात है? काला जो तेल होता है ना इस पे लगा हुआ, वो छुट जाता है तिजाम में गिरने के बाद। अब इसके कुंदे मोड़े जाते हैं ये, अगर ये तिजाम में नहीं डालता ना। अच्छा, तो ये कुंदे नहीं मुड़ते सही। अच्छा, मतलब अब ये बिल्कुल मुलायम हो गया है। हाँ, अब ये मुलायम हो गया, कुंदे गोल मुड़ेंगे इसके। अच्छा अच्छा, जिसमें ये फरेरे लटकते हैं ना। अच्छा, टीके के उसके लिए गोले बोलते हैं इनको, गोले बना रहा हूँ मैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कितनी मेहनत से किया जा रहा है, और ये भी काम यहाँ पर हाथ से ही किया जाता है। अच्छा, इसकी कोई मशीन वगैरह होती ही नहीं है? या है मशीन, मगर ये हाथ से ही जल्दी होता है, इसमें हाथ से करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से किया जा रहा है। ये लिपट गई, क्या बात है, ये कट गई। जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी इस वाले तार से भैया जी ने ये स्प्रिंग बनाई है यहाँ पर हाथ से घुमा करके। इसे बोलते हैं कलावा। अच्छा, कलावा। हाँ, इसका इसके बॉर्डर पे लगता है। अच्छा अच्छा, ये इसका जी सुहाग हमारे डुबो के इसे जब चढ़ाते हैं इससे टांका पकड़ कर लेता है। अच्छा अच्छा, दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो भैया जी ने पानी की तरह का कुछ रखा हुआ है व्हाइट करके, इसको सुहागा बोलते हैं। और भैया जी, अच्छा यही सिर्फ इस्तेमाल होता है इसको, इसमें टांका लगाने में? हाँ जी, बहुत ही बारीक काम होता है ये, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें नजर भी पहनी चाहिए और बिल्कुल हाथ भी आपके साफ होने चाहिए। अच्छा भैया, ये कितने साल का अनुभव होगा आपको ये करते हुए? मुझे 20 साल हो गए कम से कम। अब इसमें टांका लगेगा। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इसके गोल वाले थे ऊपर हर तरीके से इसको भैया ने लगा दिया। अब इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें टांका लगाया जा रहा है। तो ये देखिए, इसमें नीचे वाले जो लटकने वाले फरेरे होते हैं, इसको फरेरे बोलते हैं। फरेरे, हाँ। आप वो इस तरीके से लग करके तैयार हो चुके हैं। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ऊपर की लड़ डलेगी। अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखाइए करके। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। अब अच्छा, इसमें कुछ और काम होना बाकी है? अभी पक्के होने इसके। अच्छा, ये जो टांके हैं, टांके लगाने हैं अब इसमें, फरेरे वरेरे होने। अच्छा, तो ये किस तरीके से लगाते हैं इसे? अब ये इसको जो है ना यूं फैला करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे फैला के फिर इसमें टांका लगता है। अच्छा अच्छा, ये आप टांका लगा रहे हैं? हाँ, ये टांका यहीं पे लग जाएगा जैसा भी लगा था। अच्छा अच्छा, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी मदद से इसमें टांका लगाया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो माथे का टीका है ये फुल्ली बन करके रेडी हो चुका है, और अब इसमें टांका लगाया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। अच्छा भैया, जो नीचे इसके जिसके ऊपर आपने इसको रखा गया है, ये क्या होता है? ये भी मेटल का है? जाली है, लोहे की है। अभी बिल्कुल तैयार हो गया है, ये फिनिशिंग के लिए बाहर जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन एक एक चीजें कर करके, पहले इन्होंने ये काटा, फिर इसके बाद वो डाई लगाई, बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद ये एक बिल्कुल फुल्ली पीस यहाँ पर रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इसमें पॉलिश वगैरह होती है, आपने अमूमन देखा होगा कि सिल्वर पॉलिश होती है, और जो भी अगर कोई गोल्ड पॉलिश कराना चाहता है वो भी हो जाएगी इसमें? हाँ, गोल्ड भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल देखो, ये भाई ने माथे का टीका बना के दिखाया था आपको। इसके अलावा ये गुलूबंद है, झूमर है, नथ है, हाथ फूल है, इसी तरह से और बहुत सारी आइटम होती हैं। गले का सेट होता है जी, तगड़ी हार होता है जी जी, बहुत आइटम होती है, घड़ी चूड़ी होती है। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और कॉमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।